हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टेक। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ लीड के बारे में, आईपीओ लेटर एंट्री बीटेक में एडमिशन के बारे में, और जितने भी लीड के रिगार्डिंग, बीटेक लीड के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्म निकल चुके हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं आर्यभट्ट से डिप्लोमा पास आउट किया था 2022 में मैकेनिकल से, और आईपीओ लीड से मेरा सिलेक्शन 3 से 31 रैंक आया था। मैं बीपीआईटी में एडमिशन लिया हूँ, और मैं और भी इसके साथ साथ 2 एग्जाम और दिया था लीड का, जिसमें स्लाइड में जिसमें रैंक 11 आया था और डीटीयू में रैंक 47 आया था। तो उसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको आईपीओ लीड के बारे में बताने वाला हूँ, और अदर लीड जितने भी फॉर्म निकल चुके हैं दूसरे कॉलेज के, जैसे थापड़ के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ लीड का के बारे में। इसका नोटिफिकेशन 1 वीक पहले ही, 10 दिन पहले ही आ गया था ब्राउजर, एडमिशन ब्राउजर। ये रहा आईपीओ लीड का एडमिशन ब्राउजर। ये रहा गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। इसका कोड रहता है 128, ओनली सीईटी मीन्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे ये एडमिशन होगा। इसका कोड है 128, और लेटर एंट्री ग्रेजुएट के लिए भी इसका कोड रहता है 129। सीईटी के इसका अलग पेपर होता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस रहता है, सारा चीज देखते हैं। ये रहा बीटेक लेटर एंट्री, इसका क्राइटेरिया 3 ईयर डिप्लोमा कम्प्लीट होना चाहिए विद 60% मार्क्स एग्रीगेट, ब्रांच कोई सा भी हो, इट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी डिप्लोमा किए हुए हो। और एप्लीकेंट मस्ट अपीयर इन सीईटी कंडक्टेड एडमिशन टेस्ट ऑन द मेरिट या रैंक इन द सीईटी कैंडिडेट। ये नोट आप देख सकते हैं, आप अगर आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं तो कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर आर नॉट एलिजिबल फॉर लेटरल एंट्री फॉर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री प्रोग्राम। मीन्स योर आर्किटेक्चर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर को छोड़ के सारे डिप्लोमा होल्डर्स अलाउड इस एग्जाम को लिखने के लिए। सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, तो सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस ये रहने वाला है सिलेबस एली बीटेक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। अप्लाइड मैकेनिक्स इसमें जिसमें आता है 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अप्लाइड मैथमेटिक्स 25% मीन्स 25 क्वेश्चंस। कंप्यूटर अवेयरनेस मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस केमिस्ट्री नॉलेज ये सब, कंप्यूटर जिसमें से कंप्यूटर का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, केमिस्ट्री फीस का 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आप सबको। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग इसमें 25 मार्क्स का आता है, ईच क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स। अब 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के रहते हैं। टाइम अलॉटेड रहता है 2 आवर्स, टाइम भरपूर टाइम मिलता है, तो आप आराम से दे सकते हैं। नोट, सिलेबस 128 फर्दर प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट्स कैन बी एज अप टू डिप्लोमा और प्लस टू लेवल। तब सिलेबस रहेगा डिप्लोमा होल्डर के लिए, डिप्लोमा होल्डर के पैटर्न पे रहेगा या 12th लेवल पे, उससे आगे नहीं रहेगा, बीटेक लेवल पर नहीं रहेगा। एंड 129 के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, 130 के लिए केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है, 130 के लिए स्पेशल है। तो ये सिलेबस रहने वाला है एग्जाम के बारे में डिटेल सिलेबस देखना है आपको तो यहाँ पे आ जाएगा।
ये रहा सिलेबस और लेटर एंड एग्जामिनेशन टेस्ट। नो नो नो, टीईएस। अगर यूनिवर्सिटी का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में निकल चुका है, फॉर्म आउट हो चुका है। तो सबसे पहले यूपी स्टूडेंट के लिए जो एकेटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सीयूटी एग्जाम है जो ऑलरेडी उसका फॉर्म भी क्लोज हो चुका है। और दिल्ली के लिए आईपीयू का निकल चुका है, डीटीयू का अभी तक नहीं निकला हुआ है, डीटीयू का होगा। और डीएसयू भी है दिल्ली में, उसका भी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकला हुआ है। हरियाणा का भी निकल चुका है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी निकल चुका है, स्लाइड का भी निकल चुका है, थापड़ का भी निकल चुका है, बीट मेसरा का भी निकल चुका है, नेरिस्ट का भी निकल चुका है, नॉर्थ ईस्ट वाला। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आईपीयू के रिगार्डिंग ऐसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपके के लिए यूट्यूब पे अपलोड करता रहूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, चाहे स्ट्रेटजी हो या बिना अपडेट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप हमें इंस्टा पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली मैसेज करके, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो थैंक यू, थैंक्स।